नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उपमुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, संसद में मेरे साथी और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान सीआर पाटिल जी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी लाभार्थी भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। ये योजना आज से प्रारंभ नहीं हो रही है, योजना तो पिछले एक साल से करीब करीब चल रही है, ताकि इस देश का कोई गरीब भूखा न सो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ है। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है। साथियों, आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भुखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना, और कुछ बीमारियां भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कंपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी घुस गए। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया, नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया गया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया। आज परिणाम हमारे सामने हैं। भाइयों और बहनों, 100 साल की सबसे बड़ी विपत्ति सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानव जात पर आई है। आजीविका पर संकट आया, कोरोना लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने अपने नागरिकों को भूखा नहीं सोने दिया। दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमण के साथ साथ भूखमरी का भी भीषण संकट आ गया है, लेकिन भारत ने
संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी इस योजना से पहले की तुलना में राशन कार्डधारियों को धारकों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है। दिवाली तक किसी गरीब को पेट भरने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। गुजरात में भी लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन का लाभ आज मिल रहा है। मैं गुजरात सरकार की इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को भी प्राथमिकता दी। कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके पास या तो राशन कार्ड था ही नहीं या फिर उनका राशन कार्ड दूसरे राज्यों का था। गुजरात उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ गुजरात के लाखों श्रमिक साथियों को हो रहा है। भाइयों और बहनों, एक दौर था जब देश में विकास की बात केवल बड़े शहरों तक ही सीमित होती थी। वहां भी विकास का मतलब बस इतना ही होता था कि खास खास इलाकों में बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाएं, सड़कें बन जाएं, मेट्रो बन जाएं, यानी गांवों कस्बों से दूर और हमारे घर के बाहर जो काम होता था, जिसका सामान्य मानवी से लेना देना नहीं था, उसे विकास माना गया। बीते वर्षों में देश ने इस सोच को बदला है। आज देश दोनों दिशाओं में काम करना, दो पटरी पर चलना चाहता है। देश को नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही सामान्य मानवी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए नए मानदंड भी स्थापित कर रहे हैं। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जब 2 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अब सर्दी गर्मी बारिश के डर से मुक्त होकर जी पाएगा। इतना ही नहीं, जब खुद का घर होता है ना, तो आत्मसम्मान से उसका जीवन भर जाता है, नए संकल्पों से जुड़ जाता है और उस संकल्पों को साकार करने के लिए गरीब परिवार समेत जी जान से जुड़ जाता है, दिन रात मेहनत करता है।
जब 10 करोड़ परिवारों को शौच के लिए घर से बाहर जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलती है तो इसका मतलब होता है कि उसका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। वो पहले सोचता था कि सुखी परिवारों के घर में ही टॉयलेट होता है, शौचालय उन्हीं के घर में होता है, गरीब को तो बेचारे को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, खुले में जाना पड़ता है, लेकिन जब गरीब को शौचालय मिलता है तो वो अमीर की बराबरी में अपने आप को देखता है, एक नया विश्वास पैदा होता है। इसी तरह जब देश का गरीब जनधन खाते के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ता है, मोबाइल बैंकिंग गरीब के भी हाथ में होती है, तो उसे ताकत मिलती है, उसे नए अवसर मिलते हैं। हमारे यहां कहा जाता है, सामर्थ्य मूलम सुखमेव लोके, अर्थात हमारे सामर्थ्य का आधार हमारे जीवन का सुख ही होता है। जैसे हम सुख के पीछे भागकर सुख हासिल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें निर्धारित काम करने होते हैं, कुछ हासिल करना होता है, वैसे ही सशक्तिकरण भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा और गरिमा बढ़ने से होता है। जब करोड़ों गरीबों को आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज मिलता है तो स्वास्थ्य से उनका सशक्तिकरण होता है। जब कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाती है तो इन वर्गों का शिक्षा से सशक्तिकरण होता है। जब सड़कें शहरों से गांवों को भी जोड़ती हैं, जब गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलता है तो ये सुविधाएं उनका सशक्तिकरण करती हैं। जब एक व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधाएं मिलती हैं तो अपनी उन्नति के बारे में, देश की प्रगति के बारे में सोचता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए आज देश में मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है, भारत में ऐसी अनेकों योजनाएं गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन का मार्ग दे रही है, सम्मान से सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। भाइयों और बहनों, जब सामान्य मानवी के सपनों को अवसर मिलते हैं, व्यवस्थाएं जब घर तक खुद पहुंचने लगती हैं, तो जीवन कैसे बदलता है ये गुजरात बखूबी समझता है। कभी गुजरात के एक बड़े हिस्से में लोगों को, माताओं बहनों को पानी जैसी जरूरत के लिए कई कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हमारी सभी माताएं बहनें साक्षी हैं, ये राजकोट में तो पानी के लिए ट्रेन भेजनी पड़ती थी। राजकोट में तो पानी लेना है तो घर के बाहर गड्ढा खोद करके नीचे पाइप में से पानी एक एक कटोरी लेकर के बाल्टी भरनी पड़ती थी, लेकिन आज सरदार सरोवर बांध से, सौनी योजना से, नहरों के नेटवर्क से, उस कच्छ में भी मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है जहां कोई सोचता भी नहीं था। और हमारे यहां तो कहा जाता था कि मां नर्मदा का स्मरण मात्र से पुण्य मिलता है, आज तो स्वयं मां नर्मदा गुजरात के गांव गांव जाती है, स्वयं मां नर्मदा घर घर जाती है, स्वयं मां नर्मदा आपके द्वार आकर के आपको आशीर्वाद देती है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज गुजरात 100% नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य में अब ज्यादा दूर नहीं है। यही गति आम जन के जीवन में, यही बदलाव अब धीरे धीरे पूरा देश महसूस कर रहा है। आजादी के दशकों बाद भी देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवार
पानी के नल की सुविधा से जुड़े हुए थे, जिनको नल से जल मिलता था। लेकिन आज जल जीवन अभियान के तहत देश भर में सिर्फ दो साल के भीतर 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप के पानी से जोड़ा जा चुका है। और इसीलिए मेरी माताएं बहनें मुझे भरपूर आशीर्वाद देती रहती हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार के लाभ भी गुजरात लगातार देख रहा है। आज सरदार सरोवर बांध से विकास की नई धारा ही नहीं बह रही, बल्कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में विश्व के सबसे बड़े आकर्षण में से एक आज गुजरात में है। कच्छ में स्थापित हो रहा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात को पूरे विश्व के रिन्यूएबल एनर्जी मैप से स्थापित करने वाला है। गुजरात में रेल और हवाई कनेक्टिविटी के आधुनिक और भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार तेजी से हो रहा है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में भी गुजरात में प्रशंसनीय काम हो रहा है। गुजरात में तैयार हुए बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 100 साल की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, गुजरात सहित पूरे देश में ऐसे अनेक काम हैं जिनके कारण आज हर देशवासी का, हर क्षेत्र का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ये आत्मविश्वास ही है जो हर चुनौती से पार पाने का, हर सपने को पाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। अभी ताजा उदाहरण है ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन। इस बार ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। याद रहे, ये 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए हमने किया है। कई तो ऐसे खेल हैं जिनमें हमने पहली बार क्वालिफाई किया है। सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया बल्कि कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ी हर खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ओलंपिक में नए भारत का बुलंद आत्मविश्वास हर गेम में दिख रहा है। ओलंपिक में उतरे हमारे खिलाड़ी अपने से बेहतर रैंकिंग के खिलाड़ियों को, उनकी टीमों को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की पहचान होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये नया आत्मविश्वास न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। ये आत्मविश्वास आज देश के कोने कोने में, हर छोटे छोटे बड़े बड़े गांव, कस्बे, गरीब मध्यम वर्ग के युवा, भारत के हर कोने में ये विश्वास आ रहा है। साथियों, इसी आत्मविश्वास को हमें कोरोना से लड़ाई में और अपने टीकाकरण अभियान में भी जारी रखना है। वैश्विक महामारी के इस माहौल में हमें अपनी सतर्कता लगातार बनाए रखनी है। देश आज 50 करोड़ टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो गुजरात भी 3.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस को उसके पड़ाव के पास पहुंच रहा है। हमें टीका भी लगवाना है, मास्क भी पहनना है और जितना संभव हो उतना भीड़ का हिस्सा बनने से बचना है। हम दुनिया में देख रहे हैं, जहां मास्क हटाए भी गए थे
वहां फिर से मास्क लगाने का आग्रह किया जाने लगा है। सावधानी और सुरक्षा के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, आज जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं एक और संकल्प देशवासियों को दिलाना चाहता हूं। ये संकल्प है राष्ट्र निर्माण की नई प्रेरणा जगाने का। आजादी के 75 वर्ष पर, आजादी के अमृत महोत्सव में ये पवित्र संकल्प लेना है। इन संकल्पों में, इस अभियान में गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, दलित, वंचित सबकी बराबर हिस्सेदारी है। गुजरात आने वाले वर्षों में अपने सभी संकल्प सिद्ध करे, विश्व में अपनी गौरवमयी पहचान को और मजबूत करे, इसी कामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर अन्न योजना के सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।